राजनीतिक दलों में उत्पन्न हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया है, जहां विवाद बढ़ने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया। तो वहीं भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ महू थाने का घेराव कर दिया। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे कमेंट पढ़ने को मिला करते हैं, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के एक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर ही भिड़ लिए और एक दूसरे के नेताओं का दोनों ने मिलकर खूब बखान किया। इधर से कांग्रेस का समर्थन करने वाले विश्वास नगर निवासी धनंजय पांडे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भद्दे कमेंट करने लगा, तो बीजेपी के कार्यकर्ता सुनील चौधरी ने भी बदले में जवाब देना शुरू कर दिया। इसके बाद पांडे ने FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद महू विधायक उषा ठाकुर को जानकारी लगी तो वह भी बीजेपी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ किशनगंज थाने पर पांडे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पांडे ने 4 दिन पहले ही किशनगंज थाने में चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुके हैं। इसी बात को लेकर विधायक का आरोप है कि पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पहुंची। इस दौरान पुलिस और विधायक ठाकुर के बीच बहुत देर तक चर्चा चलती रही। मैडम का अपना यहाँ पे कार्यक्रम था, मऊ और आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम था, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भ्रमण की थी और थाने पे भी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आई थी, पर घेराव जैसी कोई स्थिति नहीं थी। कुछ मुद्दे थे जो पुलिस प्रशासन को विधायक मैडम के द्वारा बताए जाने थे, तो उन्होंने हमें बताए और उन्होंने एक दो बिंदुओं पर जाँच करके जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो करने के लिए हमें बताया। तो हमने विधायक मैडम को और उनके कार्यकर्ताओं के साथ में आश्वासन दिया है कि उन मुद्दों पे जो मैडम के द्वारा हमें बताया है बिल्कुल उचित जांच होगी और सही समय पे सही कार्रवाई। सर, एक बड़ा मामला आ रहा है भाजपा नेता स्मृति ईरानी के सोशल मीडिया पर जो मामला चला है कि उसको लेकर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हुए सोशल मीडिया पे, कुछ पोस्ट को लेके भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक आवेदन दिया है। चूँकि ये मामला थोड़ा तकनीकी है और किस प्रकार से ये पूरी घटना घटी है उसकी हम लोग साइबर सेल और क्राइम ब्रांच से हम जाँच करवाएंगे और उसके बाद जो भी संभावित कार्रवाई होगी वो उचित वैधानिक कार्रवाई। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 जनों को उठाया भी था, एक के साथ मारा कुटी भी कर। नहीं, ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी हम मैं तो यही है कि एक हमारा कार्यकर्ता सुनील चौधरी और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता धनंजय पांडे उनके बीच में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को लेकर के कोई उनकी तूतू में व्हाट्सएप पर हो गई। पुलिस चौकी ने दोनों को बुलाया, समझा दिया, दोनों अपने अपने घर चले गए। बाद में मिस्टर जामरा है कोई और पुलिस चौकी वालों ने सुनील चौधरी पर अवैध वसूली का प्रकरण दर्ज कर दिया, जो कि निराधार है और उसके कोई तथ्य प्रमाण भाई जाँच हो, कोई गवाह हो, मौके का निरीक्षण हो, उसके बाद इस प्रकार की कायमी होती है। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए 327 की कायमी कर दी। कल हमने मीणा जी के पास हमारे मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता को भेजा था, मीणा जी से आश्वासन मिला कि इसको देख लेंगे। मीणा जी आज अन्य कार्य में व्यस्त थे। इसी बीच किशनगंज थाना के जामरे और अन्य अन्य नीचे के कर्मचारी गए और उसके घर में उठा के सामान फेंक दिया, उसके बुजुर्ग बाप को उठा के। ये बात समझ में नहीं, सोशल मीडिया का मामला लेन देन पे आ रहा है, यही तो समझने का विषय है। उसकी उस प्रकरण में वो दोनों पे कार्रवाई होती है। स्थानीय चुनाव नजदीक आते दिखे और इस प्रकार की गंदी और निराधार हरकतें करना, एक झूठा अपराधी किसी को बनवाना, ये ठीक बात नहीं है। हमारी पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है, वो न्याय करेगी और जो भी गलत किया होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करेगी। कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ? 3 लोगों के खिलाफ। तीनों को पुलिस ने एक निर्दोष आदमी का तो हाथ भी तोड़ दिया मार के। किसका हाथ तोड़ा? उसका सोनू नाम है, वो बेचारा पीथमपुर में जाके मजदूरी करता है और किसी 3 में से एक उसको उठा लाए, उसका हाथ तोड़ दिया मार मार के। न्याय से अवगत कराने आए थे, मीणा जी ने आश्वासन दिया है कि
तीन दिन में ना कितना बोले में, तीन दिन में निराकरण करके जो गलत किए हैं उनको कठोरतम दंड दे। महू से दिनेश राजपूत की रिपोर्ट।